In one of the most spookiest films, Flick is all set to spook the hell out of everyone here in India. Yeah, this is a very spooky kind of another horror film. इस फिल्म में कुछ थोड़ा उल्टा हो रहा है. जब भी ये बंदा कुछ फोटो निकालता है तो उस जिसका फोटो निकाले उसके साथ साथ एक और भी इमेज अपियर होता है एंड दैट इमेज लीड्स टू अ डिफरेंट स्टोरी. Flick स्टार श्रेयस तालपदे एंड स्नेहा उलाल एंड इज डायरेक्टेड बाय संगीत सिवन एंड हिज कॉम्पिटेंट टीम फ्रॉम द साउथ. संगीत सिवन जैसा अगर कोई डायरेक्टर हो कि जिन्होंने पहले कॉमेडीज की है और वो कहे कि चल यार एक हॉरर बनाते हैं, देन डेफिनेटली इट बिकम्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग कि एक कॉमेडी बनाने वाला डायरेक्टर एक हॉरर फिल्म कैसे बनाता है. एंड आई गेस व्हाइल वर्किंग विद हिम आई रियलाइज दैट एक्चुअली दिस इज हिज फोर्टे. ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. एंड या इट वॉज गुड फन ओवरऑल. कुछ डरावना वरावना करो तो मज़ा आता है. This is not your typical Ramsey horror story, but works more on the paranormal psychological level. This will be Shreyas's first film in this genre. He attended a press meet to talk about his experience and the film. Achhi lagti hai mujhe bhi. In fact, horror films dar bhi lagta hai, but phir bhi ek human tendency hoti hai ki hame pata hai ki kya hone wala hai, kaise hone wala hai. But at the same time, we still like to watch it because एक क्यूरियोसिटी फैक्टर जो इंसान में रहता है वो आई गेस जब आप हॉरर फिल्में देखते हो तो ऑटोमेटिक एक रश रहता है. तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं देखता रहूँगा आगे और करता भी रहूँगा हॉरर फिल्म्स. Click is all set to release on Feb 19, 2010. So get ready for the scariest experience ever. बस गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो ज़रूर जाके देखिए. यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. अगर हॉरर के शौकीन नहीं है तो भी जाके देखिए बिकॉज एज अ फिल्म इट इज़ वेरी नाइस. बिकॉज एज अ सेड देयर इज अ लव स्टोरी एंड देयर सम रियली नाइस सॉन्ग्स. सो यू विल डेफिनेटली एंड अप एंजॉयिंग दैट. यू विल एंजॉय द फिल्म फॉर श्योर.